सावन परामर्श में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो मल्टीविटामिन, जो अगले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि मल्टीविटामिन दो प्रकार के होते हैं, जो एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि मल्टीविटामिन इतने प्रकार के होते हैं, उसके नाम होते हैं, ठीक है। आज हमारे पास हम दवा लेकर के आए हैं, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दवा, ठीक है, ये मल्टीविटामिन कौन इसको खा सकता है, किसको खाना चाहिए, और खास करके कोरोना काल में इस मेडिसिन को खाने से क्या फायदा है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरी हमारी वीडियोस रहेगी, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक मल्टीविटामिन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आप खुद खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ये दवाएं ज्यादा खाने से ये हाइपर विटामिनोसिस करवाता है, ठीक है। तो हाइपर विटामिनोसिस जब होती है तो अलग कॉम्प्लिकेटेड लाता है, वो आपको पता नहीं चल पाएगी, वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो दवाएं होती है, ये दवा मल्टी विटामिन, यानी कि बहुत सारा फूड सप्लीमेंट को ऐड किया जाता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स प्रोडक्ट को भी यूज करके इस दवा को बनाया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये इस दवा की, जो हमारे हाथ में जो दवाएं हैं, ये दवाएं हैं, इसका नाम है विटेक्स, ठीक है, विटा एक्स, ठीक है। तो ये विटा एक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है, ये कंपनी का नाम जो है, जो दवा इस कंपनी को बनाती है उसका नाम है कैवेंटिस फार्मास्यूटिकल्स पीवीटी एलटीडी। लेकिन वो कंपनी जिस नाम से मल्टीविटामिन को बेच रही है वो है विटा एक्स, ठीक है। जो इसमें केमिकल इंटीग्रेडिएंट पाए जाते हैं वो केमिकल इंटीग्रेडिएंट्स होते हैं मल्टीविटामिन्स विथ मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें से सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल रहते हैं। सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल और हार्ड जिलाटिन कैप्सूल उसको कहते हैं जिसमें जिलाटिन्स रहते हैं, जिलाटिन्स एक प्रोटीन है, ठीक है। तो वो सॉफ्ट, जब दबाएंगे अब इसके कवर को खोलेंगे और उसको दबाएंगे तो वो सॉफ्ट रहता है, दब जाता है, फिर वो छोड़ दीजिएगा तो अपने स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल। हार्ड जिलाटिन कैप्सूल को हम जब प्रेस करते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है, ब्रिटल हो जाता है, टूट करके चकनाचूर हो जाता है, ठीक है, उसको हार्ड जिलाटिन कैप्सूल कहते हैं। कभी कभी टैबलेट में देखेंगे वो जिलाटिन नहीं रहते हैं, वो सिर्फ टैबलेट फॉर्म में रहता है जो कंप्रेस करके टैबलेट बनाए जाते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो कैनविटीज जो फार्मास्यूटिकल्स बना रही है इस दवा को, ठीक है, तो ये दवाएं जो है वो खास करके जो पाए जाते हैं वो आपका रहता है कैल्शियम रहता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, डीएल मिथियोनिन, फेरस सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड मैग्नीशियम, विटामिन ए जो 1090 यूनिट्स होते हैं, और आपका रहता है मोलिब्डेनम और विटामिन D3, जो आपका D3 रहता है वो 100 यूनिट इसमें मल्टीविटामिन्स में पाए जाते हैं, और आपका विटामिन B12 रहता है। ये विटामिन की दवाएं बहुत ही अब कारगर काम करती है इस ट्रीटमेंट में। किसी को भी राइट एडवाइस करते हैं तो अच्छी, हमने देखा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को राइट एडवाइस करते हैं, हम किसको ये दवा दे सकते हैं, ठीक है, किसको यूज़ किया जाता है, तो ये दवाएं खाने के लिए इसके जो डोज होते हैं वो डोज होता है कि एक कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद, या तो एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद, यानी वंस इन डे, एक दिन में एक बार। और इसका यूज है, जिसका फायदे हैं वो ये है कि अगर आपको कमर दर्द है या बदन दर्द है या फिर आपको वीकनेस लग रही है, ज़्यादा वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, ठीक है, तो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना काल में अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह से इलनेस जैसी लग रही है, किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम अगर किसी का
दवा चला हुआ है एंटीबायोटिक्स, तो भी इसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और हमारा चैनल डॉक्टर श्यावल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।